सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10। फिलहाल तो नहा आ चुके हैं और आधे घंटे में निकलेंगे, 6 बजे निकलेंगे। और फिलहाल थोड़ा चाय वाय पीते हैं, मिलते हैं। सो फाइनली निकल चुके हैं स्टेशन की तरफ और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मौसम तो आज खुला हुआ है पूरा। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 गोरखपुर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अपनी ट्रेन है 7:20 पे खुलेगी। फिलहाल अभी 6:10 हो रहा है तो आधा 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर वही है जिसके बारे में बताया था पिछली वीडियो में और उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा ब्लॉग। प्लेटफॉर्म नंबर 1 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1355.40 मीटर है। तो बढ़ते हैं आप आगे स्टेशन की तरफ और रुकेंगे अपनी जहाँ ट्रेन लगेगी उस पर मिलेंगे। कुछ ऐसा है प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये इधर शौचालय था पे एंड यूज और इधर है पार्किंग के लिए गाड़ी क्रू लॉबी। ऐसा दृश्य है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जाने का रास्ता और ये है लिफ्ट। आराम से अब हैवी लोड लेके प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अदर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। थोड़ा हुआ था बूंदाबांदी बट अभी रुका हुआ है, मौसम हल्का हल्का साफ हो रहा है तो प्लेटफॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएंगे। ये थाना राजकीय रेलवे पुलिस गोरखपुर, कुछ प्रॉब्लम है बात कर लीजिए। गीता प्रेस की पुस्तक की दुकान भी यहीं पर है, यहाँ पर गीता प्रेस की पुस्तकें मिल जाएंगी। वेटिंग रूम है और इधर से जा सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अदर प्लेटफॉर्म की तरफ। ये बाया सीढ़ी है फिलहाल तो पूछताछ केंद्र आ चुके हैं, यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी ट्रेनों की। ये दूसरा गेट है बाहर निकलने का, फिलहाल मैं 1 गेट से आया था। कोई दिक्कत नहीं है स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खाने की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। चाय कॉफ़ी और पैक्ड सामान आराम से मिल जाता है। तो अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है क्योंकि यहाँ से खुलती है इसलिए पहले ही आ जाती है गोरखपुर हटिया। और कुछ अपना कोच B1, चलते हैं एंट्री मारते हैं, गेट तो ओपन ही है। सो अपने सीट पर आ चुका हूँ और थोड़ा सा सीट के बारे में आपको दिखाता हूँ। थर्ड क्लास AC और मौर्य एक्सप्रेस तो ये सब सीटें हैं। B1 बोगी में हूँ फिलहाल। सो ये साइड लोअर और साइड अपर की ये 2 बर्थ हैं। सो ये साइड लोअर की सीट ऐसी है, कुछ अगर बैठना है तो इसको उठा के बैठ जाइए, कुछ इस तरह से ये उठ जाता है और ये बैठने के लिए बन जाएगा। और बाकी सेम स्लीपर की तरह बीच में 3 सीटें रहती हैं, एक नीचे और एक बीच में और एक सीट ऊपर सोने के लिए। सेम इस साइड भी ऐसी है,
बीच में और एक नीचे, बाकी सेम शीशा है। बॉटल होल्डर दोनों साइड खाने के लिए रखा हुआ, एक बॉटल होल्डर यहाँ पे भी है और ऊपर रखने के लिए इमरजेंसी के लिए अलार्म भी लगा हुआ है, यहाँ पे ठंगने के लिए लगे हुए हैं कुछ मोबाइल पॉकेट चार्जिंग कर लिए। सेम इधर भी है, इधर भी चार्जिंग दिया हुआ है, चार्जिंग पॉट मोबाइल पॉकेट अलार्म के लिए ऊपर, और अपनी सिटी है 32। सो 7:20 पर ट्रेन खुलेगी, उससे पहले थोड़ी देर वेट करते हैं और बस। गाइस अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। चलते हैं, आपको बाथरूम का रिव्यू दिखा देते हैं। सो इधर इंडियन स्टाइल है और इस साइड वेस्टर्न स्टाइल है। सो इंडियन स्टाइल के साथ साथ यहाँ पे डब्बा है, टोटी है, जेट स्प्रे है और फैन है जो फिलहाल चल रहा है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और बस कुछ टांगने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, सामने मिरर और फिर हैंड वॉश के लिए हो गया, टोटी है यहाँ पे, बेसिन है साफ कर लिया, डस्टबिन है यहाँ पे, और कुछ यहाँ तावल वगैरह लगा सकते हैं, होल्डर साबुन वगैरह रखने के लिए। और यहाँ से वेंटिलेशन के लिए आई थिंक ये है, वेंटिलेशन होता रहेगा यहाँ से। सो बस इतना ही है सेम, और एक दरवाजे के पास यहाँ पे होल्डर बाकी। सो वेस्टर्न स्टाइल में भी सेम है, टॉयलेट के साथ एक मग्गा दिया है, मग है, रोटी है, टॉयलेट पेपर है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें, और सेम फैन है, जेट स्प्रे की वही सेम। फिर यहाँ पे बेसिन है, टोटी है, टोटी के बाद आपका फिर हैंड वॉश हो गया, टॉवल रखने के लिए है, और ये पीछे दरवाजे पे दिया है होल्डर कपड़े वपड़े टांगे कपड़े। सेम यहाँ पे वही है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे कुछ मैसेज दिया हुआ है, स्वच्छता में सहयोग करें। बाकी बाहर का एरिया कुछ ऐसा है, ये दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाएंगे, फिलहाल तो बैठने के लिए आई थिंक कोई, बस इधर भी एक दरवाज़ा है, फिर बाहर एक बेसिन, टोटी अच्छा खासा दिया है, टॉवल रखने के लिए दिया है, साबुन वगैरह रखने के लिए हैंडवाश दिया है, और एक मरकरी है, मिरर भी अच्छा खासा लगा हुआ है, और ये टॉयलेट जो भी हैं सब बायो टॉयलेट है जो बताया था पहले। बस एक आदमी यहाँ पे सो सकता है आई थिंक, यहाँ पे एक मैकेनिक्स होते हैं जो यहाँ पे एसी के लिए रहते हैं, वो कुछ हेल्पर वगैरह यहाँ पे सोते हैं। और अंदर जाने पे कुछ ऐसा दिखता है अपना, तो कुछ ऐसा सीन दिखता है अभी तो खाली पड़ा है। गाड़ी देवरियाँ पहुँच चुकी हैं, तो अब चलते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, और अभी दिन के 8:45 सीट पर बैठे हुए हैं। तो आज जर्नी के लिए मिला है सादा पराठा है, ये बैंगन का कलौजी, और इसमें है आम का अचार। सो गाड़ी मटनी से खुल चुकी है और नाश्ता वगैरह भी कर चुके हैं, फिलहाल चलते हैं सेट पे फिर चाय वगैरह। सो जस्ट अभी एक माई स्टेशन, गाड़ी खुली है एक माई स्टेशन से, और मौसम शानदार है। वैसे तो ट्रेन में कुछ फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, चाय वे का इंतज़ार करते हैं। फिलहाल 10:57 हो चुके हैं, छपरा जंक्शन गाड़ी पहुंच रही है। तो छपरा जंक्शन उतरे हैं, थोड़ा चाय पानी लेते हैं, देखते हैं मिलता कि नहीं। चाय वे रखे हैं क्या, कैसे भैया एक दीजिए। ये चाय मिला है,
सोनपुर स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई है, करीब 10 मिनट हो गया और अभी फिलहाल टाइम तो 1 बज रहा है, तो ऐसे से धीरे धीरे जर्नी हो जाएगी कम्प्लीट। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन एक गाड़ी विशाल झंडा। सो अभी पचवाड़ा जंक्शन पहुंच रही है गाड़ी और अभी बच चुके हैं 5। अभी परौनी जंक्शन पे ट्रेन आ चुकी है और पानी वगैरह ले, थोड़ी सब्जी का शाम के 6:30 हो गए हैं और चाय ख़त्म करते हैं, टाइम भी हो गया निकलने का, गाड़ी खुलेगी 5 मिनट में। तो अभी झाझा स्टेशन पर रुके हैं और चाय पी रहे हैं, खाना आ चुका है ऑर्डर किए थे, दृश्य यहीं से खाना ऑर्डर हो रहा है फूड ट्रैक से झाझा स्टेशन, आपकी सीट पे खाना पहुंच जाएगा, बस अपना फूड ऑर्डर कीजिए। और ऐसा कुछ दृश्य है प्लेटफॉर्म पर, तो ये मिला है पनीर भी। सो अभी बज चुके हैं रात के 2 और मैं धनबाद जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, और गाड़ी यहाँ करीब आधे घंटे के लिए रुकती है, अपना स्टॉपेज बोकारो है, बोकारो स्टील सिटी। सो नींद आ नहीं रही थी तो बाहर ही आ गया है, अब आधा घंटा बाद गाड़ी खुलेगी तो देखते हैं चाय भी मिलता है क्या, कुछ नहीं मिल रहा तो चलते हैं खुद ही ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब उसने कॉफ़ी का सील तोड़ना पड़ेगा। गाड़ी तुक्का डी पे आके रुकी हुई है, बोकारो स्टील सिटी जंक्शन आ गया, उतरते हैं नीचे। तो अभी 3:56 हो रहा है और बोकारो स्टील सिटी जंक्शन पहुंच चुके हैं, प्लेटफॉर्म 2 से प्लेटफॉर्म टॉप की ओर सीढ़ियों के थ्रू जाते हुए और ये आ गया प्लेटफॉर्म 1। सो स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और चलते हैं ऑटो पकड़ेंगे। सो कुछ लगभग 4 बोकारो स्टील सिटी पहुंच चुके हैं, 20 मिनट पहले ही आ गए। सो अब मिलते हैं। सो जस्ट अभी पहुंच रहे हैं लक्ष्मी मार्केट के पास और चाय पीते हैं फिर निकलेंगे, चाय के ढाबे पे रुके हुए हैं। सो फाइनली रूम के अंदर आ चुका हूँ और फिलहाल तुलसी जी तो ठीक ठाक हैं, अभी तक पानी ख़त्म हो गया है और ये कुछ ऐसा हाल है मिट्टी का, होप तुलसी जी इस बार सरवाइव कर गए। सो फाइनली रूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और अब चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाकी फ्रेश वगैरह होके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
सो गाइस प्लीज़ यहाँ तक देख लिया तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय।